और जयपुर में प्रो सेफ्टी प्रोफेशनल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कार्यक्रम का आयोजन किया है। कार्यक्रम में महिलाओं का सम्मान किया गया। इस दौरान उन महिलाओं को सम्मानित किया गया जो प्राकृतिक आपदाओं में सरकार का सहयोग करती हैं। ये प्रोग्राम एक बहुत ही देश के लिए एक चुनौती भरा सब्जेक्ट है, आपदा और आपदाएं से होने वाली अकाल मौतों। इसके जो मैकेनिज्म जो है सरकार के पास, समाज के पास जो डेवलप नहीं हो पा रही है, तो इसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है समाज में बना हुआ है। हर लोग आज टारगेट पे है, तो इसके लिए एक बहुत बड़ी एक संस्था सेफ्टी प्रोफेशनल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसके मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मैंने महिलाओं को नेतृत्व इस सब्जेक्ट के प्रति बढ़ाया और हर साल ये राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित किया जा रहा है 2 अक्टूबर को। इसमें पर्पस ये है कि जो भारत के प्रत्येक कोने से ऐसी महिलाएं को चिन्हित किया जा रहा है जो डिजास्टर और सेफ्टी और इन्वायरमेंट, रोड सेफ्टी, पर्यावरण पर इस पर काम कर रहे हैं, वैसी महिलाओं को लाके उनको अवार्ड भी कर रहे हैं और हर साल भारी संख्या में महिलाओं को के प्रतिनिधि को इसको सेंसिटाइज किया जा रहा है ताकि कोई इमरजेंसी हो जाए तो उनके समय उनकी तैयारी क्या होगी। इसके लेके ही ये वर्कशॉप है जो फुल डे चलेगा और ये देश के हर प्रत्येक कोने में भी आयोजित की जाएगी। इसमें महाराष्ट्र से, दिल्ली से, कर्नाटका से, वेस्ट बंगाल से, राजस्थान से, हरियाणा से, ये सारे स्टेट जो है चिन्हित हो रहे हैं, गुजरात से ये महिलाएँ आ रही हैं। प्रोफेसर AK सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष।